टिकटॉक के फॉर अ बिजनेस, कि एज अ ब्रांड और एज अ बिजनेस, चाहे आपका पर्सनल ब्रांड है, चाहे आपका बिजनेस है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, एफएमसीजी है, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, कैन बी एनीथिंग, सर्विस बेस्ड बिजनेस है या दूसरा बिजनेस है, उसके लिए आपने टिकटॉक को कैसे इस्तेमाल करना है। सो सबसे ज्यादा जरूरी बात जो इस जनरेशन के कंटेंट को चाहिए है वो है यूजफुल, रेलेवेंस एंड एंटरटेनिंग। यूजफुल भी होना चाहिए कि लोगों के काम आए, रेलेवेंट भी हो कि उनको समझ आए। आप यहाँ पे बैठे हुए नेपाल के अगर कोई ट्रेंड्स एंड फैक्ट्स बताने शुरू कर देंगे तो इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर देम। अगर आप जिस मुल्क में, जिस कॉन्टेंट, जिस एरिया में ऑपरेट करें, उसके लोकल ट्रेंड्स, लोकल कल्चर्स को समझें, उसके ट्रेंडिंग हैशटैग्स उठाएं एंड देन उनके अराउंड यूजफुल, रेलेवेंट एंड एंटरटेनिंग कॉन्टेंट क्रिएट करें। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने टिकटॉक के ऊपर कैंपेन्स की हैं, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, काफी लोग मुझसे यहाँ पूछ रहे हैं कि ऑडियंस कैसे इंप्रूव करें या मार्केटिंग कैसे करें, लीड्स कैसे जनरेट करें। तो जो मेजर ब्रांड्स हैं उनकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। जैसे डेनिम है, डेनिम ने आई एम डेनिम की कैंपेन लॉन्च की थी हैशटैग के साथ, और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि बड़ी इंटेलिजेंट लगा मुझे उनका तरीका, उन्होंने आपने उनको थोड़ा सा क्रिएटिविटी की भी जगह देनी है कि वो अपना आइडिया भी बीच में पुश कर सके एंड वो रेलिवेंट भी होना चाहिए आपके ब्रांड से। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने हैशटैग बनाया आई एम डेनिम, और उन्होंने कहा कि आपकी कोई भी डेनिम जीन्स है, कोई भी डेनिम जो आप पहनते हो, डेनिम वेयर है, आप उसको अपने स्टाइल से पहन के उसके साथ हैशटैग आई एम डेनिम के साथ अपलोड करें। सिर्फ एक वीक के लिए उन्होंने ये कैंपेन चलाई थी एंड इस हैशटैग के 37.4 मिलियन व्यूज हैं सिर्फ एक वीक के अंदर। इतने हैशटैग्स उन्होंने क्रिएट करवा लिए, 7.4 मिलियन। यस, इवन गूगल जो सबसे बड़ा जायंट है टेक का, गूगल ने भी टिकटॉक के ऊपर अपना कैंपेन लॉन्च किया हुआ है, विच इज हे गूगल हेल्प, हैशटैग हे गूगल हेल्प, जिसमें गूगल लोगों को इनकरेज करता है कि आप गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल करते हुए कोई भी वीडियो बनाए। गूगल असिस्टेंट से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बार बार कहाँ है, क्या कैसे करूँ, इज गूगल गॉट, मतलब कैन बी एनीथिंग। तो आप गूगल असिस्टेंट से सवाल पूछते हैं, वो आपको जवाब देती है, आप उसके अराउंड एक फन एंड एंटरटेनिंग वीडियो बना रहे हैं और इसके व्यूज 156.7 मिलियन व्यूज हैं इस हैशटैग के, 156.7 मिलियन व्यूज। और इसके लिए गूगल ने भी और डेनिम ने भी, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया। पहले जो पॉपुलर लोग हैं, जो पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी स्पेसिफिक नीश के अंदर, उन्होंने उस हैशटैग के साथ अपनी पोस्ट शेयर की, फिर उनके बाकी ऑडियंसेस ने भी करना शुरू कर दी। जिस तरह बाकी के सोशल मीडियाज होते हैं, इस तरह टिकटॉक के ऊपर भी अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इंगेजमेंट और अवेयरनेस, यही दो गोल्स आप रखें, यही दो ऑब्जेक्टिव्स आप रखें टिकटॉक के, अवेयरनेस क्रिएट करनी एंड इंगेजमेंट बिल्ड करनी, ये अल्टीमेट फेजेस हैं। क्योंकि जब एक बंदा आपके आपकी प्रोडक्ट से अवेयर हो चुका है, आपके साथ इंगेज हो चुका है, तो उस पर लीड को कन्वर्ट करना किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा आपको जानता ही नहीं है, वो आपसे इंगेज नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो आपने अपनी कैंपेन्स बनाते हुए लाजमी जहन में रखना है कि यंगर डेमोग्राफिक है, टीन्स हैं, यंगस्टर्स हैं वहाँ पे, और इंटरटेनिंग कॉन्टेंट उनको चाहिए, चैलेंजेस थ्रो करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, एज वेल एज रेलिवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन पुट करें और इंगेजमेंट और अवेयरनेस बिल्ड करने की कोशिश करें। 0304 111 5786 dankash.com